हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ खोला गया, जिसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्न विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, जिसका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, जिसका ऑप्शन है ए यकृत, बी थायराइड, सी अग्न्याशय, डी मस्तिष्क। इस प्रश्न का सही जवाब होगा थायराइड। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में हवांगसो 12 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, जिसका ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी उत्तर कोरिया, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर कोरिया। आपका अगला प्रश्न, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है ए वैसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी न्यूरेक्टोमी, सी साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्यूबेक्टोमी। आपका अगला प्रश्न, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है ए वैसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी न्यूरेक्टोमी, डी साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वैसेक्टोमी। आपका अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसका ऑप्शन है ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी वाशिंगटन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिनेवा। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, इस प्रश्न का ऑप्शन है ए ओटू ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अधिवृक्क, डी अग्न्याशय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अग्न्याशय। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, जिसका ऑप्शन है ए 22, बी 20, सी 14, डी 10। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 14। आपका अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, जिसका ऑप्शन ए माउंटबेटन, बी लिनलिथगो, सी बैटिंग, सी क्लाइव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिनलिथगो।